नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। अलग अलग लोग अलग अलग एरिया बता रहे हैं। लाइसेंस 103 स्क्वायर मीटर का उसने लिया हुआ है, एरिया 206 स्क्वायर मीटर चला रहे हैं। सारे लेटर्स हैं, हमने आरटीआई से सब पता किया कि भाई ये मामला है क्या, कितने का लाइसेंस दिया, कब दिया, क्यों दिया, बिना ओनर की मर्जी के। ये हिंदुस्तानी है जिसमें लोगों को लाइसेंस मिलते हैं, लोग काम धंधा करते हैं इलीगल लोग, और जो ओनर है वो बेचारा देखते रहता है। यदि कोई पर्सनल ओनर होता तो लड़ता मरता। अभी ट्रस्ट का है तो अभी ट्रस्ट के लिए एक प्रेसिडेंट तो सिर पे डंडा खा के बच गया, और ये लोग तो रिवॉल्वर लेके मार देंगे। अपनी जान का खतरा है, वो हो सकता है कि डॉक्टर ने फिर भी करप्शन को यदि हटाना है, समाज को यदि जागरूक करना है, तो किसी न किसी को तो एक दूसरे हाथ में देना ही पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। किताब इस तरह से बीएमसी के अंदर ये सब इंडिका दिए जा रहे हैं, और इसके अंदर जो भी बेनिफिशियरी है उसका पता करना तो पत्रकारों का काम है। भाई कौन इतना दे रहा है, उसकी बूटी कौन कौन बांट रहा है, अब ये तो फौजी पत्रकार जो तहलका वगैरह वो सब जाके पता करेंगे। फौजी पत्रकार लोग जाके भैया क्या है इसमें, कहानियाँ क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। कुछ फोटोग्राफ्स है आपके जो फोटोग्राफ्स है, एरिया इतनी है, ग्राउंड फ्लोर की इतनी है, फर्स्ट फ्लोर की इतनी है। नेक्स्ट ये रुकिए सर, ये हम बताते हैं। एम एम आर डी ए ने बताया कि आपकी 167 स्क्वायर मीटर जगह हम ले रहे हैं, और उस एरिया में उन्होंने नक्शा दिया था जिसके अंदर की सारी होटल छूट रही है, बहुत छोटा सा पोर्शन बचता है, लेकिन उसको उन्होंने तोड़ा नहीं। फिर आरटीआई लगाई कि इसका कितने रुपए का, कितने कब तक आपने लाइसेंस दिया, तो बोला 2015-16 तक हमने इसको लाइसेंस दिया है, 103 स्क्वायर मीटर का उन्होंने लाइसेंस दिया। ये उन्होंने फाइल की म्यूनिसिपल कमिश्नर से, उसने वो दिया कि मेरे को कितनी एरिया का टैक्स भरना है, तो उसको एरिया आई 70.4 स्क्वायर मीटर, 70.4 स्क्वायर मीटर की एरिया का वो टैक्स भर रहा है, और उसके ऊपर उसने 203 स्क्वायर फीट को बांध चुका है। ये आरटीआई से हमें पता चला, ये आरटीआई 103 स्क्वायर मीटर का उसको बॉम्बे शॉपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ने लाइसेंस दिया, ये हमें आरटीआई से पता चला। उसने जो एप्लीकेशन की थी वो 203 की उसको 103 का उन्होंने लाइसेंस दिया, ये आरटीआई से पता चला। ये 2015 में हमने बीएमसी कमिश्नर को फिर से लेटर लिखा, उसमें बहुत सारी हमने वो लगाई अप्लीकेशंस की, देखो सर ये डेंजरस है, इसको टूटना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर ये सारे हमने और लेटर लिखे उनसे, साहब ये डेंजरस है, ये नहीं टूटा। फिर फायर ब्रिगेड को आरटीआई लगाई, तो आरटीआई में उसने बोला कि इसको हमने लाइसेंस नहीं दिया है। 23/12 को आरटीआई में जवाब आया कि हमने फायर ब्रिगेड ने कोई लाइसेंस भी नहीं दिया। उसके 6 दिन बाद फायर ब्रिगेड वालों ने उसको कंडीशनल लाइसेंस दे दिया। ये 6 दिन के बाद वो 23 तारीख का बोला आरटीआई में कि लाइसेंस नहीं दिया, 29 तारीख को आरटीआई बोलती है 29 तारीख को उसको कंडीशनल लाइसेंस दे दिया। अब कंडीशनल लाइसेंस में वो पर्सनल ड्यूटी कर सकता है, उसको जो किचन है उसके 2 गेट बनाने हैं, वो सब उसमें लिखा है, 43 कंडीशन है, एक भी कंडीशन उसकी फुलफिल नहीं होती है, लेकिन फिर भी होटल चल रही, वो सब आप पर्सनली देख सकते हो। सर कमला मिल हादसे के जो लोअर पर के सहायक आयुक्त वगैरह थे, सब हमारे जो कॉर्पोरेटर सुभाष सावंत वगैरह हैं, ये हमारे डिप्टी सुप्रिटेंडेंट रिटायर सर बैठे हुए हैं, हमने सब लोगों से मेहनत कोशिश की है कि हम मेयर से मिले, हम सब आयुक्त से मिले। मैं हमारे कनेक्शंस का मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप एक बार उनसे भी तो मिले नहीं कि सर आपके ऊपर एक ये धब्बा। गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं, 15 रुपया फीस के बच्चे हैं, अब 15 रुपया महीने के फीस के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उनकी जवाबदारी कौन लेगा था, कौन पढ़ाएगा इन लोगों को, गरीबों की हिंदी मीडियम, अब इसी तरह से इंग्लिश मीडियम स्कूल जो आगे सर उसके अंदर 10 से 12 हज़ार रुपया साल कर दिया जाता है टोटल, उसमें वार्षिक उत्सव सब आ गए सारी काम। अब ऐसी कम फीस के अंदर जो स्कूल कॉलेज कर रही है, यदि उसको बंद करवानी है तो उनको में जाके बोलेंगे कि सर हम थके हैं,
हम इतने साल से कोशिश कर रहे हैं, फिर भी इलीगल होटल चला रहे हैं, हालात को इंसिडेंट इस तरीके के हो जाए, उसकी जिम्मेदारी फिर हमारे ट्रस्टियों पर हो। हमने तो कोई गुनाह नहीं किया स्कूल चला के, हम तो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, इतनी कम फीस में स्कूल चला रहे हैं, कोई गवर्नमेंट अनुदान नहीं देती है, कोई मेंटेनेंस का पैसा नहीं देती है, हम रिस्क लेके स्कूल चला रहे हैं। 60 साल पुरानी बिल्डिंग है, बिल्डिंग का प्लान पास करने के लिए हमने 2005 से प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी हमारा बिल्डिंग का पूरा प्लान पास नहीं होता है और हमें सताया जा रहा है। जितना हमें सताया गया है उसकी कहानियाँ यदि मैं लिखूँगा तो पूरा एक उपन्यास हो जाएगा, और किस बर्बरता के साथ हमारे साथ व्यवहार हो रहा है इसका मैं मतलब मैं मरने के बाद वो किताब लिख के जाऊँगा और उसके बाद मैं लिखूँगा कि इसका जो है इसका बाद में प्रकाशित करूँ। मैंने किताब लिखी है हाउ टू मेक न्यू इंडिया, मैं राइटर भी हूँ, मैं किताब छापरना टिबरेवाला हमारे ट्रस्ट के द्वारा संचालित एक यूनिवर्सिटी है, मैं उसका चांसलर भी हूँ, मैं जागरूक नागरिक हूँ और उसके हिसाब से मैं ये सब काम कर रहा हूँ, और राष्ट्रीय सैनिक संस्था का मैं संरक्षक सदस्य भी हूँ, और हम लोग ये सब भ्रष्टाचार वगैरह के खिलाफ आवाज़ उठानी है, जिससे कि हम करेंगे वन करते रहेंगे, उसके बाद भी नहीं शुरू होगा तो हम स्कूल बंद कर देंगे। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव देन टू क्लोज दिस स्कूल। सेवा संघ एक चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे जवळजवळ 1960 पासून कार्यरत आहे आणि सदर ट्रस्टमध्ये जवळजवळ एक प्री प्रायमरी स्कूल, सेकंडरी स्कूल, ज्युनियर कॉलेज, सिनियर कॉलेज असे जवळजवळ 4 ते 5 हजार विद्यार्थी येथे शिकत आहेत। त्यानंतर आपण बघत असाल इथे की बाजूला एक गोपालकृष्ण हॉटेल आहे, ते गोपालकृष्ण हॉटेल जे आहे ते सुरुवातीला एक असं 8x10 एक खोका होता, ते खोका असताना नंतर ते ज्यावेळेला रोड वाईडनिंगमध्ये त्याला डिमॉलिश करण्यात आलं आणि डिमॉलिशन करून त्याला नंतर त्यांनी सांगितलं की आपण कंपाऊंड बांधून घ्या, तर तारेच्या कंपाऊंडमध्ये असतानासुद्धा त्यानंतर त्या जो फर्नांडिस नावाचा इसम होता त्या नावाच्या फर्नांडिस नावाच्या इसमाने पुन्हा ते क्रेनच्या सहाय्याने ते खोकं आतमध्ये ठेवलं आणि त्यानंतर मग हळूहळू त्याचं रूपांतर त्याच्यामध्ये पोलीस केस पण झाली होती। पोलीस केस झाल्यानंतर इथल्या राजस्थानी सेवा संघाचे ट्रस्टीचे अध्यक्ष वगैरे त्यांनासुद्धा मारहाण करण्यात आली। मारहाण केल्यानंतर पोलीस केस नंतर सर्व ट्रस्टीचे लोक घाबरले होते। मागणी अशी आहे की गेल्या कित्येक वर्षापासून 2003-04 हे अनधिकृत म्हणून बीएमसीनी तोडलेलं असतानासुद्धा आज हे मोठं ग्राउंड आणि प्लस एक दुमजली हॉटेल आजसुद्धा उभं आहे तिथे। तर ते हॉटेलच्या ज्यामुळे आपण बघत असाल की त्यांचं संपूर्ण किचनचं कंपाऊंडमध्ये कंपाऊंडला भिंतीच्या कंपाऊंडला लागून ते आता हॉटेल एवढं मोठं बांधलेलं आहे, त्याच्यामध्ये गॅस सिलेंडर ठेवलेला आहे, ए सीसुद्धा त्यांनी संपूर्ण ते शाळेच्या बाजूला लावलेलं आहे, पूर्ण वायरिंग वगैरे आहे, कधी शॉर्ट सर्किट होऊन गॅसचा स्फोट होऊन जसं कमला मिलचे जशी दुर्घटना घडलेली आहे त्या पद्धतीने दुर्घटना घडू शकते। आणि इथं 3.5 वर्षाच्या मुलांपासून जे आपण बघत असाल एवढा क्राऊड आहे, 3-4 हजार विद्यार्थी इथे शिकत आहेत आणि त्याच्यामध्ये त्यांच्या सर्व जीवाला धोका आहे, संपूर्ण टीचिंग स्टाफ आहे, नॉन टीचिंग स्टाफ आहे, ट्रस्टीज आहे, एवढ्या वर्षापासून जे त्यांची कायदेशीर लढाई चालू असताना सुद्धा आजपर्यंत त्यांना बिलकुल न्याय मिळालेला नाही आहे। मोर दॅन 60 इयर्स, जवळजवळ 50-60 वर्षापासून। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।